अरे वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है इंडिया वाली टीम ने। मैच जीता कौन सा? मैच हम बहुत दुखी थे कि मैच का जो है ना वो तो एंड काफी अच्छा नहीं होता। 80 पर हम ऑल आउट हो गए थे 27 ओवर पर और उन्होंने 7 ओवर में कंप्लीट कर ली। एक्चुअली हमारे साथ रन क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है कि हर खांसता हुआ शख्स ही कोरोना का शिकार हो। बंदा रूटीन लाइफ में वैसे भी खांस लेता है। कैसे आप? ठीक हैं? और तबीयत कैसी आप? सब खैर कह रहे थे ठीक ठाक मज़े। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की फितरत यह है कि जो वो देख रहा होता और सुन रहा होता उसी पर यकीन कर लेता मिनो ऑन। मतलब उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी लाइक वेरीफाई करने की चीज़ को। तो आजकल क्योंकि ये कोरोना चला हुआ है तो हर दूसरा बंदा जो खांस रहा है या जो देख रहा है उससे पैनिक होकर दूर भाग रहा है, जैसे पता नहीं क्या है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो ही पॉजिटिव। वरना ये कफ एक नॉर्मल सी चीज़ है, सीज़न चेंज हो रहा है, हम अब सर्दियों से गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो ये कफ इज़ वेरी रूटीन थिंग। तो कभी भी लोगों से इस बुनियाद पर हेट ना करें कि उसे कफ है। किसी को भी हो सकती है, उसे बुखार है किसी को भी हो सकता है, या उसे थ्रोट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है किसी को भी हो सकता है। जब तक सर्टिफाइड वेरीफाइड रिपोर्ट ना हो कि यस दिस गाय गॉट कोरोना, तब तक प्लीज़ अपने एटीट्यूड अपने लोगों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ अच्छे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चीज़ें स्टेबल रहें, अच्छे रहें रिलेशन। वैसे ही आपकी खांसी आपका रिलेशन उड़ा ना दे। कोरोना वायरस इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव जितना उसको बबल बना के उड़ा दिया गया है और लोग अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं। अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अवेयर करें। थैंक यू सो मच।